कम आय वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक का रिटायरमेंट फंड में अंशदान देगी। सरकार की तरफ से यह फंड कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से होगा। इसका मतलब है कि तय अवधि के बीच कम सैलरी पर नई नियुक्ति पर सरकार अब कर्मचारी का 12% और नियोक्ता का 12% भविष्य निधि कोष यानी ईपीएफ का बोझ खुद उठाएगी। बुधवार को ही सरकार ने कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं योजना से 98 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से हर महीने 15,000 रुपए या इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा हो। इसके दायरे में केवल वही कर्मचारी होंगे जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से संबद्ध संस्थान में नौकरी नहीं कर रहे थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है। इसके अलावा उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और 15,000 रुपए से कम मासिक सैलरी है, लेकिन 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड-19 महामारी के दौर में नौकरी चली गई है और उसके बाद ईपीएफओ से जुड़े किसी संस्थान में नौकरी नहीं की है। सरकार ने यह भी कहा है कि 1000 लोगों तक नए रोजगार देने वाली कंपनियों के दोनों हिस्सों का खर्च वह खुद उठाएगी, जबकि 1000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को हर कर्मचारी के 12% का अंशदान का बोझ 2 साल तक के लिए उठाएगी। कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण सभी सेक्टर्स में गतिविधियां ठप हो गई थी।